मथुरा गोवर्धन पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान उसके सात साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने दो मोटरसाइकिल, दो तमंचे बरामद किए हैं। इस दौरान एक साथी मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जी हां, आपको बता दें कि पकड़ा गया 25,000 रुपए का इनामी बदमाश आजाद गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव देवसेरस का रहने वाला है, जिस पर लूट, डकैती और हत्या के प्रयास के करीब 17 मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल 25,000 रुपए का इनामी बदमाश अरशद अपने साथियों के साथ मिलकर अपने दुश्मन दुर्पाल एवं उसके बेटे सोनू की हत्या करने के उद्देश्य से गांव मलसराय जा रहा था। इसकी सूचना मुखबिर द्वारा गोवर्धन पुलिस को दी गई। पुलिस ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो इनामी बदमाश आजाद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जी हां, इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और पुलिस की गोली 25,000 रुपए के इनामी बदमाश आजाद के पैर में लगी। आजाद को उसके पांच साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया, अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान आजाद का एक साथी मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से दो तमंचा, दो मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़ा गया बदमाश आजाद शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर पहले से ही लूट, डकैती और हत्या के प्रयास जैसे करीब 17 मुकदमे दर्ज हैं। आज सर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है सर? आज गोवर्धन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलसराय और देवसरस के बीच में जो हनुमान मंदिर है उसके पास गोवर्धन पुलिस और कुछ शातिर अपराधी है, उनके बीच में पुलिस मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ के बाद में कुल पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक अभियुक्त जिसने अपना नाम आजाद बताया है कि पांव में गोली भी लगी है, और ये जो अभियुक्त है आजाद, इसके ऊपर पहले से ही 25,000 का इनाम भी था और ये करीब 17 मुकदमे इसके ऊपर पहले से ही लूट, बलवा और अटेम्प्ट टू मर्डर के थे। वहां से एक अपराधी भागने में सफल रहा है, जिसकी कॉम्बिंग लगातार जारी है। जिस अपराधी की पांव में गोली लगी थी उसको तुरंत से अस्पताल भेजा गया है और मौके से दो मोटरसाइकिल और दो कारतूस, दो खोखा कारतूस और दो तमंचे बरामद हुए हैं और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।